पावरफुल पर्सन बनो। क्या होता है कि कभी कभी हम ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहां हमें बहुत टॉर्चर होता है और तभी भी वहां रह रहे, कहां ऐसा हो सकता है? एक तो ऐसा है, समझो आप आपके भाई के यहां रह रहे हो, उसकी फैमिली है, आपकी फैमिली, मकान भाई के नाम का है, आप लड़की हो, कोई कारण से डिवोर्स होकर वापस आई हो, भाई के यहां रह रही हो और आपके भाई की पत्नी आपको टॉर्चर कर रही है, ताने मार रही है, वहां रहना मुश्किल हो रहा है। या फिर आपका बॉस हो कि जो आपको छोटी छोटी गलतियां होंगी आपकी उसके ऊपर बहुत बड़ी करके आपको बहुत ताने मार रहा है, टॉर्चर कर रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, तो फिर ऐसी जगह आपको बहुत तकलीफ है और आप रहना नहीं चाहते हैं और तभी भी आप रह रहे तो प्रॉब्लम है। क्या है कि ऐसे रिलेशनशिप में रह के भी फायदा नहीं, मगर आपको यदि आपका सेल्फ इमेज रखना है, सेल्फ एस्टीम है आपकी, आपको अपने आप को अपने नज़र से गिराना नहीं है और सीधे सीने से आपको जीवन जीने का है, तो आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी या दो में से एक चीज़ करनी पड़ेगी। एक ये बात है कि आपको बोलना पड़ेगा आपके बॉस को या जो भी घर में है उसको कि भाई ये पावर गेम नहीं चलेगा, आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ताने मार रहे, बहुत ज़्यादा मुझे सता रहे, तो ये चलेगा नहीं, अभी मैं ये टॉलरेट नहीं करूँगा, सीधा बोल दो। तो क्या होगा, यदि आपको उसकी ज़रूरत है तो वो बंद करेगा उसका बिहेवियर और ये प्रॉब्लम हरदम के लिए ख़त्म हो जाएगा। यदि वो अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता है और वो बिहेवियर कंटिन्यू कर रहा है, इसका मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे भी रहे तभी, रहे नहीं रहे तभी, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके रहने से, तो फिर रह के फायदा भी क्या है, फिर वहां से निकलने अच्छा है, जबरदस्ती वहां क्यों रहना है और जबरदस्ती रह के क्यों बोझ बनने का है किसके ऊपर? अपनी सेल्फ इमेज मेंटेन करो, सेल्फ एस्टीम मेंटेन करो, अपना जो एक अहम है उसको खाद दो कि नहीं भाई मैं ऐसा नहीं टॉलरेट करूंगा, मुझे दो टाइम की रोटी नहीं मिली तभी चलता है, एक टाइम की रोटी खा के मैं रहूंगा, मगर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो खत्म नहीं करूंगा, ऐसा आप बोल सकते हैं खुद को और वहां से निकल सकते हैं। तो ये पावर आपको बतानी पड़ेगी, नहीं तो फिर जी के फायदा नहीं है। रोज आपको एक गिल्टी इंसान रोज उठ रहा है, गिल्टी इंसान रोज काम कर रहा है, रोज आपकी सेल्फ एस्टीम सेल्फ इमेज डाउन होती जा रही है और धीरे 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 इसका कन्वर्शन डिप्रेशन में होता है, फिर डिप्रेशन सीधा बाहर नहीं आता, फिर वो बॉडी से बाहर आता है, फिर पेट के प्रॉब्लम है, बदन का दर्द है, माइग्रेन के अटैक्स है, हेडेक है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये बीमारियां चालू हो जाएंगी। तो उससे अच्छा है कि बाहर निकलो, सेल्फ एक्सप्रेस्ड हो जाओ, रह के भी फायदा नहीं है। और यदि आपने सीधा बोलने के बाद में वो आदमी सुनता है, वो व्यक्ति सुनता है, बॉस रहो या भाई रहो या जो भी कोई है, कोई पिताजी रहो, वो यदि सुनता है और अपना बिहेवियर चेंज करता है तो बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये आपको करना होगा, सो बी पावरफुल। हमारा ऐप है डॉक्टर केळकर नाम का, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसमें आपको क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, वीडियोस आपको मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो आप डाउनलोड करो, लोगों को भी शेयर करो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।